ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गुरुवारी रात्री पडलेल्या अवकाळी पावसाने अक्षरशः उल्हासनगर शहराला झोडपून काढलं। अनेक ठिकाणी झाडं कोसळण्याच्या दुर्घटना देखील घडल्या आहेत। उल्हासनगरच्या 17 सेक्शन परिसरातील सिंधवाडी येथील बंद पडलेला 70 फुटी टॉवर अचानक नागरिकांच्या घरावर कोसळला। यात एक महिला किरकोळ जखमी झाले। दरम्यान यात अनेक घरांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून MSEB चा हलगर्जीपणा असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे। सध्या टॉवर हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। कल रात को जो बारिश पड़ी थी उसमें हवाएं भी आई थी, तो उसमें पेड़ जो MSEB वालों की तरफ से था, MSEB वालों का पेड़ था, उसके साथ जो उनका पर्सनल टावर था, वो टावर 10 सालों से खराब स्थिति में था, वो आके गिरा है यहाँ पे हमारे पत्रों पे गिरा है। 812, 813, 814 जिसे हम सिंधवाड़ी भी कहते हैं 17 सेक्शन के इधर, वहां पे गिरा है कि आज ये हमारे यहाँ हुआ है। तो अगर ऐसी ही लापरवाही MSEB हर बार करेगी तो क्या पता किसी की जान का भी नुकसान हो सकता है। तो हम यही आशा करते हैं कि ये चीज फिर से नहीं होनी चाहिए और ये जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इसके लिए हम सिर्फ MSEB को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ये रात को तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास पेड़ के साथ टावर भी गिरा है। टावर लगभग 70 फुट का टावर, 80 फुट का टावर था, जो पिछले 10-15 सालों से MSEB वालों के बिल्कुल काम का नहीं था। उन्हें खुद को पता था कि ये टावर कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकता है। अब कल ऐसा दिन था कि हवा भी आई है और उसके साथ टावर भी गिर गया और वो टावर के साथ एक लड़की को चोट आई है, उसके सर पे और हाथ पे और उसके पांव में भी जख्म के निशान है। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।